गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय मॉर्निंग ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस, ये बताना चाह रही थी कि आज मेरी सास चली गई है अपने गांव और मेरा यहाँ पे राजपाट हो रखा है। क्योंकि गाइस, मतलब कि राजपाट कहने का मतलब है कि जब कोई अपने से बड़ा जाता है तो हमें संभालना पड़ता है, ये है राजपाट का मतलब। आप लोग गलत मत समझना। तो मतलब मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रखे हैं और मैं घर पे अकेली हूँ। तो एक बात तो है सच में, अगर इंसान सुबह उठ जाए तो सच में मतलब दिन बहुत अच्छा जाता है। और देख सकते हैं ये बिल्ली ना मेरे को जीने नहीं दे रही है, बस मेरे पास आ जा रही है। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यार करती है, इतना प्यारू प्यारू करती है, इतना प्यारू प्यारू करती है। बोलो बोलो, इना नाचू नाचू क्यों करते है तू, इना नाचू 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 करते है तू, नाचू। देख सकते हैं गाइस मेरे पास सो गई आके, मतलब बहुत प्यार करती है मुझे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे जहाँ पे मैं आऊँगी तो वहीं पे आ जाएगी, रात को भी मेरे पास सो ही रहती है, मतलब इतना प्यार करती है। हो ही जाता है जब इंसान से मैं प्यार है तो, ये तो जानवर जी हैं। ऐसा होता है ना कि मतलब इनसे इतना प्यार करो तो ये और दुगना प्यार करती है, कहना मानती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है गाइस। और मतलब अभी सुबह सुबह उठ गए थे, 5:30 बजे उठ गए थे, तो मैंने अपनी सासू जी को बोला कि भाई तुम्हारे लिए रोटी बनाने, बोले नहीं मैं खा के अच्छा लगता है, चाय पी के रही बस। तो वो लोग पहुँच गए होंगे स्टेशन पे, तो मतलब तो मैंने दूध भी गर्म कर दिया, चने थे मतलब थोड़ा बॉईल करके खाते हैं तो चने भी खा लिए, मतलब चाय चने बॉईल भी हो गए और दूध भी ले आई मैं, थोड़ा दूध लगा रखा है, दूध भी ले आई, थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाता है और दूध भी गर्म हो गया। और सब्जी भी अभी धो के रखी है, वो काटती उसमें थोड़ा पानी उतर जाएगा तो, और आटा भी गोंद के रख दिया। तो मैंने सोचा झाड़ू पोछा रह गया, नहाना धोना पूछा पाट रह गया, उसके बाद फिर मैं आराम करूँगी, बस यही मेरा मॉर्निंग रूटीन था। तो मैंने सोचा जाते वक्त सास को दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा ये हो गया ना कि थोड़ा बैग के कारण थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं जाऊँ छोड़ने के लिए और मुझे थोड़ा उनका वेट बहुत ज़्यादा है बैग के लिए। तो मैंने बोला मेरा बस इतना दूर नहीं है, तुम थोड़ा हिलते हो, और फिर इसीलिए थोड़ा अपसेट भी हो गई कि यार मेरे को थोड़ा कम्फर्ट हो कि स्कूटी में जाना था। अब मैंने कहा यार तुम्हें दूसरे के लिए, दूसरे बेटे के लिए बोलना चाहिए था कि मतलब मुझे छोड़ने आ जा, उसके पास स्कूटी है। अब मेरे हस्बैंड के पास बुलेट है, तो ये होता है ना कि बुलेट में छन नहीं आता, बुजुर्ग लोगों का 60 साल की हो गई है तो थोड़ा छन नहीं आता, भले ही शुगर हो कि मतलब सूट पहना था उन्होंने, बस यही। तो पर चले गए, उन्होंने कहा ध्यान रखना अपना बस। और गाइज मतलब थोड़ा अगर घर से कोई जाए तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि एक्चुअल में फ्रेंड तो वही है मेरी, क्योंकि दिन भर हम दोनों ही साथ रहते हैं, दूसरे को देखते हैं बोलते हैं, तो बस यही है। आदमी लोगों को तो ये होता है कि आना जाना ड्यूटी, बस एक औरत ही होती है जो एक औरत को समझ सकती है। तो उनके बिना शाम से मुझे अभी तो ऐसा है कि चलो हस्बैंड रहेंगे, लेकिन शाम से ऐसा होता है ना कि मतलब 4 बजे और रात की 10 बजे तक का टाइम मेरा उनके साथ बीतता है, तो मतलब थोड़ा बुरा तो लगता है, सुनसान लगता है। तो आई मिस यू सासू जी एंड आई रियली लव यू सो मच। बेटा आप भी बोल दो लव यू सो मच दादू, दादू सो मच लव यू, इसकी तरफ से गाइज लव यू सो मच। सो अभी तो मैंने कहा कंटिन्यू रहूँगी मैं आज दिन भर, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही क्या नहीं, काम तो मेरा हो गया लगभग। तो बस अभी थोड़ा झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद पूजा पाठ, फिर नाश्ता करवाऊँगी, फिर आज रैली भी निकल रही है तो इनको रैली में भी जाना है, इसलिए मैंने अपने बॉयल्ड चने भी निकाल दिए क्योंकि इनको चाहिए होते ना। तो बस मिलते हैं आपको कुछ ही देर में, तब तक बहुत याद करता है मुझे, बहुत अच्छा, ही लव्स मी सो 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 मच, इतना याद किया मैंने सिर्फ आगे। बोलो नोटी कर लो, नोटी नोटी कर लो, मैसेज आ गया फिर।